हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल के उडुक्की में कल तेज बारिश के बाद चट्टान टूटकर गिरने से बड़ा हादसा, 12 से ज्यादा मौत हुई। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हैं। इडुक्की जिले के राजमाला में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। केरल सरकार ने बताया यहां एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। इडुक्की जिले में मलबे से लगातार निकल रही हैं लाशें। चट्टान टूटकर पानी का सैलाब अचानक आया, जिससे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। तेज बारिश की वजह से केरल के ज्यादातर जिलों में नदियां उफान पर हैं। कोट्टयम में नदी का रौद्र रूप दिखा। केरल के अरनाकुलम में तो बारिश से ऐसी बाढ़ आ गई कि लहरों में हाथी बह गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। केरल के अलुवा में तो पेरियार नदी के पानी में शिवजी का मंदिर पूरी तरह डूब गया। पुजारियों ने तैरकर बचाई अपनी जान। केरल में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी है। 11 अगस्त को भी इडुक्की, वायनाड और मलप्पुरम में बहुत तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के कोडागो में तेज बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि लोगों के घर और मंदिर सब डूब गए। श्री भगंदेश्वर मंदिर में पानी घुसने की तस्वीरें आई। कर्नाटक के हसन में पानी में मंदिर के डूबने की तस्वीरें आई। यहां हेमवती नदी की बाढ़ ने बर्बादी मचाई है। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से हादसा। कई घंटों तक इस रूट पर आवाजाही बाधित रही। उत्तराखंड के बागेश्वर में 30 दिन पहले बनी पुलिया ढह गई। मनरेगा के तहत 3 लाख में तैयार की गई थी। विकास प्राधिकरण पर आरोप लगे। बिहार में बारिश से कई पेड़ गिर गए। दरभंगा में तो बिजली के तार पर गिरा पेड़, लग गई आग। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ में डूब गया ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप। रिहायशी इलाकों में गंडक नदी की बाढ़ से आफत आई है। एमपी के डिंडोरी में सिवनी नदी में बाढ़ का कहर दिखा। कई इलाकों में पानी भर गया है। कई गांव पानी में डूबे हैं। यूपी के गोंडा में सरयू नदी डरा रही है। कई जगह जमीन कटाव से पेड़ गिर गए। पानी रोकने वाला तटबंध भी टूट गया। यूपी में भी बाढ़ से आफत है। गोरखपुर में 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रास्ते बंद, 10,000 लोगों पर संकट है। राप्ती नदी यहां उफान पर है। उत्तराखंड के धारचूला में चीनी बॉर्डर के पास रास्ता 20 दिन से बंद है। चट्टान टूटने की वजह से ब्लॉक है। सैनिक और स्थानीय लोग दोनों को इससे हो रही है दिक्कत। ओडिशा में गंजम के मंदिर में 10 फीट लंबा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने सांप पकड़कर जंगल में छोड़ा। नोएडा के सेक्टर 49 में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हो गया। लोगों ने प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, सड़क पर नारेबाजी की। यूपी के मिर्जापुर में मारपीट के आरोपी पुजारी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। एक दरोगा समेत 2 पुलिस वाले घायल। यूपी के कन्नौज में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। जमकर पथराव हुआ। कुछ दिन पहले कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद अब इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। एमपी के बड़वानी में पुलिस वालों ने सिख युवकों के साथ बदसलूकी की। वीडियो सामने आने पर आरोपी एएसआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। कल एम्स में बच्ची को देखने पहुंचे थे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में एम्स अस्पताल में भर्ती है 12 साल की घायल बच्ची। सीएम केजरीवाल ने आज फोन पर डॉक्टरों से बात की। बच्ची का इलाज जारी है। कल देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के
62,000 नए केस आए, 900 लोगों की मौत हुई। कोरोना मामलों की संख्या देश में 20 लाख के पार पहुंच गई है। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना केस, कल 3,500 से ज्यादा मामले आए। अब तक 72,000 लोग बिहार में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 1100 से ज्यादा नए केस आए, करीब 1100 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में अभी करीब 10,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। केजरीवाल सरकार ने छूट दी, पहले रात 9 बजे तक खोलने की ही मंजूरी थी। मुंबई आने वाले हर शख्स को अगले 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, आने से 2 दिन पहले बताना होगा। मुंबई नगर पालिका BMC ने आदेश जारी किया। हरियाणा की सरकारी बसों में अब जितनी सीट हैं उतने यात्री बैठ सकेंगे। पहले कोरोना की वजह से 52 सीटों वाली बस में सिर्फ 32 यात्री बैठ रहे थे। कोरोना की वजह से बंद ताजमहल के दीदार अब कर सकेंगे सैलानी। आगरा प्रशासन ने ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए खोल दिया। जिस अमोनियम नाइट्रेट केमिकल से लेबनान के बेरूत में धमाका हुआ, वैसा ही केमिकल तमिलनाडु के मनाली में बंदरगाह पर रखा है। 690 मैट्रिक टन ये केमिकल चेन्नई कस्टम ने जब्त किया था। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, जरूरत पड़ी तो घास खाऊंगा, लेकिन पाकिस्तानी सेना का बजट बढ़ाऊंगा।